हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता। हमारे चैनल स्पेक्ट्रली नीता में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल स्पेक्ट्रली नीता को सब्सक्राइब करें। साइड में लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अभी तक आपने कई तरह का चोखा खाया होगा, पर आज मैं आपके साथ सेम फली का चोखा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये चोखा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सेम फली का चोखा रेसिपी। सेम फली का चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम हरे और ताजे सेम। सेम फली को अच्छी तरह से पानी से धुल लेंगे। इसके बाद लेंगे एक कुकर और कुकर में लगभग एक लीटर पानी डालेंगे और अपनी इच्छा अनुसार आलू डालेंगे। उबलने के लिए आलू को हमने पानी से अच्छी तरह से धुल लिया है और इसी में आलू रख देंगे। और इसके बाद एक कटोरे में करके सेम फली को आलू के ऊपर इसी तरह से सेट करके रखेंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम ऑन कर देंगे। 5 से 10 मिनट के बीच आलू और सेम अच्छी तरह से बॉयल्ड हो जाएंगे। सिर्फ 2 सीटी में हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को गैस से उतार लेंगे। 5 मिनट के बाद सेम फली और उबली हुई आलू को कुकर से बाहर रखेंगे। ये देखिए, सेम की फलियां अच्छी तरह से उबल गई हैं और साथ ही साथ आलू भी हमने जो बॉयल्ड के लिए रखा था वो भी उबल गया है। यहाँ पर हमने एक साथ दोनों चीज़ों को बॉयल्ड कर लिया है। 10 मिनट के लिए हम दोनों चीज़ों को रख देंगे ठंडा होने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, सेम की फली ठंडी हो गई है। अब हम इसे जो साइड में रेशे होते हैं उसको निकाल लेंगे। रेशों को पहले नहीं निकालेंगे क्योंकि बॉयल्ड होने के बाद सेम फली के रेशे बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, इसी तरह से दोनों साइड में जो रेशे होते हैं सेम फली में, हम सारे रेशे इसी तरह से निकाल देंगे और इसके बाद उबली हुई आलू के छिलके भी उतार लेंगे। ये देखिए, सभी आलू को हमने छिलके उतार लिए हैं। अब जिन बाउल में हमने सेम रखा है उसी में हम उबली हुई आलू को भी रखेंगे और हाथों की सहायता से आलू को हम मैश कर लेंगे। और इसके बाद डालेंगे कटी हुई लहसुन की कलियां, 8 से 10 हरी मिर्च कटी हुई, 2 बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज, 2 पके हुए लाल टमाटर बारीक कटे हुए, 1 डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल डालेंगे, 1/2 नींबू का रस डालेंगे, 1/2 इसके बाद सभी चीज़ों को हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि नमक और सारी चीज़ें चोखा में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये सेम फली का चोखा है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। हम इसे खाने के साथ खा सकते हैं। सेम फली का चोखा रेडी है, अब हम इसे खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सेम फली का चोखा रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। साइड में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।